हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग कक्षा छठवीं की आपकी जो चार बुक्स पढ़नी थी हमें वो पढ़ चुके हैं, जिनमें आपकी शामिल थी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक, फिर दूसरी कक्षा छठवीं की बुक सी थी हमारा अतीत भाग एक, तीसरी थी पृथ्वी हमारा आवास और चौथी थी आपकी विज्ञान। फिर कक्षा सातवीं में भी हमें चार ही बुक्स पढ़नी है, जिनमें आपकी शामिल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दो, इसे हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। फिर है हमारा अतीत सेकंड, इसे भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, और हमारा पर्यावरण अब हम लोग बात करेंगे आज, और फिर बचेगी आपकी विज्ञान, विज्ञान के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग चार बुक्स पढ़ेंगे। याद रखिए आपकी जो भी इस तरह के चैप्टर एनसीईआरटी से संबंधित खत्म होते जाते हैं हर बुक्स के, वो सभी एक जगह मिल जाएंगे, वो है आपकी अपनी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से प्लेलिस्ट सूची। याद रखिए आप लोग कि हो सकता है कि स्टेट पीसीएस निकल जाए बिना एनसीईआरटी बुक्स पढ़े, लेकिन अगर सिविल सर्विस निकालना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इससे पहले ही पढ़ लीजिए, बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, इसलिए पहले ही से पढ़ लीजिए। और याद रखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी, कक्षा आठवीं तक की तो इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे कहानी की तरह आराम से आपकी क्लियर हो जाएंगी, और हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना थोड़ी है, वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस खत्म। तो बात करते हैं सामाजिक जीवन, सामाजिक विज्ञान, तो यह हमारी हमारा पर्यावरण के नाम से, जब आप लोग खरीदने जाएंगे या फिर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वैसे भी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं ये सभी पीडीएफ, ठीक है, तो हमारा पर्यावरण जो कक्षा सातवीं के लिए है, ठीक है, भूगोल की, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, इसमें आपको देखना है विषय सूची में, पहला अध्याय रहेगा आपका पर्यावरण से संबंधित, दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे हमारा हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा चैप्टर आपका होगा हमारी बदलती पृथ्वी, फोर्थ नंबर का चैप्टर होगा आपका वायु, पांचवे पर जल, छठवां चैप्टर होगा आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, सातवां चैप्टर होगा मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, आठवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्याश क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में, नौवें चैप्टर में रेगिस्तान में जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से हमें नौ चैप्टर देखना है इसमें। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की हमारा पर्यावरण, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमें देखना है पर्यावरण, याद रखिए फिर से बोल रहा हूँ बार बार की से एनसीईआरटी को आपको एक बार कहानी की तरह पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ा के मत पढ़ना है। तो पर्यावरण, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी, वही एक मैदान उस उनके खेलने के लिए वहां पर था, लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। देखिए कितनी सरल परिभाषा में समझाया गया आपको, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट हमारे अगर क्लियर हो जाए तो हमारा सही है, हमने सही से पढ़ा है कि कुछ जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे ही हम लोग पर्यावरण कह देते हैं। रवि ने कहने लगा,
इसका अर्थ है कि स्कूल भवन मेज कक्षा में रखी कुर्सियां यहां तक कि खुला मैदान सड़क कूड़ा करकट मेरे दोस्त ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा हाँ लेकिन जरा रुको कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है जैसे पर्वत नदियां पेड़ प्राणी जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है जैसे सड़क कार कपड़े किताब। जब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए जल खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है भूमि पर कारखाना का निर्माण होता है मानव कार मिल कारखानों बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्राकृतिक मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मुझे समझ में नहीं आया पता है आप लोगों को कि जब जिस चीज ने हम लोगों को बनाया उसे बचाने की बात करने लगे लग जाए तो ये समझ जाइए कि इंसान संकट में। क्योंकि देखिए अब बेटी बचाओ अरे बेटियों से तो सब कुछ चल रहा है उन्हीं ने हमें जन्म दिया माँ हो फिर चाहे बहन हो बेटी हो किसी की तो माँ होगी उन्हीं को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्राकृतिक प्रकृति को बताया जाए अरे भाई प्रकृति ने हमें बनाया है जब तक हम लोग उससे कुछ छेड़छाड़ ना करें प्रकृति से वो हमारे लिए बहुत कुछ देती रहती है। गांधी जी ने कहा था पर्यावरण में विचार नहीं दिया था कि वो पृथ्वी हर व्यक्ति का भरण पोषण कर सकती है लेकिन सिर्फ एक लालची इंसान क्या पूर्ति नहीं कर सकती है पृथ्वी। तो सबके लिए पृथ्वी प्रकृति जो भी है आपका सबका भरण पोषण करती रहती है बस कोई लालची आ जाए उसका भरण पोषण नहीं कर सकती। रवि परमजीत जिस्सी मुस्तफा आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पर्यावरण के घटक देख लीजिए प्राकृतिक घटक में आपके शामिल है जल वायु स्थलमंडल सजीव ये आपके प्राकृतिक घटक हैं। मानव निर्मित घटक की बात करें इमारत पार्क पुल सड़क उद्योग स्मारक मानव निर्मित हो गए मानव में हो गए एक व्यक्ति परिवार समुदाय धर्म शैक्षिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति ठीक है। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। जीवीय सजीव प्राणियों का संसार जीवीय कहलाता है जैसे पादप एवं जंतु आजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान वस्तुएं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन वायरोनेट या इन वायरोनेर से हुई जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि जलवायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल जलमंडल वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं।
चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। क्या स्थलमंडल? यह पहाड़, पठार, मैदानी भाग, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की तरह सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जलमंडल हुआ आपका, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ठीक है। जल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यहाँ सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जलमंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है। पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा समृद्ध होते हैं। पारितंत्र, रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप में जिस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें दूर तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आते हैं, लेकिन वहां ऊंट भी मिलते हैं। रवि ने कहा, हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकलियां एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। उनकी जैसी भी उनकी भौगोलिक स्थिति होती है उसी के अनुसार वो लोग रहते हैं। प्रयाग भी एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध भी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। जो लोगों के दिमाग में क्या बोल सकते हैं उसे आप लोग बेहतर जानते होंगे। दिमाग में क्या भर गया कमेंट में जरूर बोलिए, बताइए। उससे बाहर निकालने के लिए, जागरूक बनाने के लिए आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। यह आपने गांव में देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जब आपके यहाँ कोई मटकी या दिए दीपावली पर देने आता है तो उसे बदले में आप लोग कोई फसल दे देते हैं, ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गए, तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। ये पहले प्राचीन भारत में बहुत चलती थी इस तरह की पद्धति। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ सामाजिक, साथ पर
पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ। वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना और उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नोरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के बाद कारण रवि की उदासी देखकर नोरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए अभ्यास के लिए, ठीक। देख लीजिए, अगर पता है आप लोग अध्याय खत्म कर देते हैं उसके बाद ये अभ्यास के क्वेश्चंस देख लिया करिए। अगर आपको लगता है कि आपसे ये सॉल्व हो रहे हैं तो आपने सही किया, तरह से पढ़ा है। और अगर आपको लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, नहीं बन रहे, तो आप लोगों को एक बार और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन अध्याय, ठीक। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा सातवीं की, हमारा पर्यावरण। इसमें एक चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। पहला चैप्टर था पर्यावरण। इसमें बात करेंगे हम लोग हमारी पृथ्वी के अंदर। क्या है शीर्षक चैप्टर का? हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन किन पदार्थों से बनी हुई है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, यह आपकी पर्पटी है, फिर आपकी स्थल मंडल हो गया, ये आंतरिक कोड हो गया, ये बाह्य कोड, सीमा कोड मेंटल, ये पृथ्वी का आंतरिक है, ये आपका भारत का दिख रहा है, जिसका सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक साकेंद्री परतों से बना हुआ है आपका। जिस तरह से आपका प्याज होता है उस पर देखते हैं आप लोग, परत एक परत हटा देते हैं दूसरी आ जाती है, इसी तरह आपकी पृथ्वी भी है। पृथ्वी की तरह की सबसे ऊपरी पृथ्वी की सतह जो उसकी सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। जहां आपके महाद्वीप है वहां 35 किलोमीटर तक है और समुद्र सतह में 5 किलोमीटर तक। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एलुमिना मीना जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे सीएल सिलिका और एलुमिना कहा जाता है। महासागरों की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सेमेन सिलिका मैग्नीशियम कहा जाता है। यह आपका महाद्वीपीय पर्पटी हो गया, यह आपके महाद्वीप हो गए, यह आपके महासागर हैं।
ये महासागरीय पर्वती है, ठीक है। पर्वती के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोर है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे नीफे, निकिल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्वतीय है। 84% मेंटल और आपका 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये कुछ आपके पॉइंट है, इन्हें याद रखना है आपको छोटे छोटे, ठीक है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन की ही हो सकती है। मुख्य रूप से सेल तीन प्रकार की होती है। अग्नि सेल, इसे इग्नियस कहते हैं, सेल भी कहते हैं। अवसादी, सेडिमेंट्री सेल भी कहते हैं। कायांत्रित, मेटामॉर्फिक सेल भी इसे कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। इन्हें हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नि सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बाहरी भेदी सेल। इग्नियस कुछ आपकी शब्द दी गए। इग्नियस शब्द लेटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंटी लेटिन शब्द है सेडिमेंटम, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है मोटा मेटामोरफोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्वती इस प्रकार से बने सेल को बाहरी भेदी अग्नि सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। आपका जो आपका दक्कन पठार है, यह आपका बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। फिर आपका द्रवित मैग्मा, कभी कभी भू पर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे हमारे ग्रेनाइट बने होते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। सेल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को हम लोग अवसाद कहते हैं। ए अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये आदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, भी हम लोग जीवाश्म भी कह सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जीवाश्म भी। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमरमर परिवर्तित हो जाता है इस तरह, ठीक है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्टू, चिविड्डी, स्टापू या किटकिट, पांच पत्थर, गिट्टी आदि, ये आपके खेल हैं।
आप अपने दादा दादी माता पिता पड़ोसियों आदि से पूछकर कुशन खिलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए, पता कीजिए कि वे किन शैलों से बने हैं। दो चित्र नीचे दिए गए हैं। लाल किला, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है आपका लाल किला। ताजमहल आपका सफेद संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतित शैल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर उसे ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। यह आपका कायांतित शैल हो गया, अवसादी शैल, मैग्मा, अग्नेय शैल और अवसाद पर शैल चक्र। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो यह था आपका दूसरा चैप्टर, हमारी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अभ्यास के लिए लगा लें। ठीक है, याद रखिए इतने कठिन शब्द कोई भी इसमें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आप लोग एक दो बार पढ़ते हैं तो आराम से समझ में आ जाता है। ठीक, इसलिए टेंशन मत लीजिए ज्यादा और अच्छे से पढ़िए, एक दो बार अच्छे से सुनिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे चैप्टर में, हम लोग देखेंगे हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग दो चैप्टर इसके खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। ठीक है, बार बार आप लोगों से वही दोहराता आया हूँ कि इसे एक कहानी की तरह आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक दो बार पढ़ेंगे इसे और आपसे आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमें थोड़ी कोई ज्ञाता इसका वो करना है कि रटना है पूरी, हमें वही कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर करना है और निकल जाना है, बस एक दो बार पढ़ना है बस। ठीक है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो आपका स्थल मंडल है ये आपका अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम लोग स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। इसमें देखिए, एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ठीक है, बात करते हैं आगे प्लेट की इस गति के कारण। जो प्लेटों में ये गति होती है, इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनका कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण ये आपकी जो गतियां होती उत्पन्न होती हैं।
जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम लोग अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग बहिर्जनक जनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये पृथ्वी की गतियां हैं, अंतर्जनित बल, इसमें आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, फिर इसके आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जनित बल अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगें, हिमनद, जो बाहर घटनाएं घटित होती। स्थलमंडलीय प्लेट, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेट होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें जिससे पिघले हुए पदार्थ का अचानक निकलता है बाहर। ठीक, ये आपका एक ज्वालामुखी हो गया, इसे हम लोग मैग्मा कोष्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेंटल होगी पृथ्वी की परतें या पर्पटी, और जो आपका ये फैला हुआ है इसे लावा कहते हैं। फिर यहाँ निकास हो गया, निकास बैंड, ये बहर पाइप, एक क्रेटर हो गया है यहाँ इसके मुंह पर, और जो बाहर निकल रही है इसे हम लोग गैस या राख कहते हैं। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति कुछ एंडो अंता एक्सो बाह्य, प्लस जेनिक उत्पत्ति एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है या कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं हम लोग। भू प्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहलाता है। भू प्रपटी के नीचे वह स्थान जहां से हमारा ये कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र की दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जहां अधिकेंद्र होता है वहां सबसे ज्यादा हानि होती है। उद्गम स्थल केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। प्लेट सीमा हो गई है, ये आपकी अधिकेंद्र हो गया। ठीक है, सबसे पास का स्थान। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ये आपकी। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर लें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें, आप क्या देखेंगे, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन होने लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भोज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भोज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाली भीषण भूकंप आया था। स्कूल प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भोज से निराशजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति
भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालत यहाँ चिंताजनक थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जलपाई लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग, चारकोल एवं अगीठियों से की पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन की घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। तो ये था आपका पूरा भूकंप की एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से यह आपका भूकंप लेखी। भूकंप से बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियां, अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो विक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण की इस विक्रम पृथ्वी के धरापल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। इस तरह होते हैं आपके ऊपर से जो पानी गिरता है उसे ही हम लोग एक साधारण परिभाषा में जल प्रपात कह लेते हैं। यह है आपका नियाग्रा जलप्रपात। नदी के कार्य क्या है? नदी के कार्य नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, यह आपका जलप्रपात। इन्हीं शब्दों को परिभाषित करने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई है कि अब यहां देखिए जलप्रपात की परिभाषा कितने सरल शब्दों में दी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। ये आपकी इसे क्या कह लेते हैं? विसर्ग। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम लोग चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है।
बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। यहाँ ये तटबंध समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको हम लोग वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। किसका? डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों के कारण या आपका तटीय मेहरा हो गया या आपका स्टैक समुद्री गुफा। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कह लेते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। इन गुफाओं की बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है जिसे हम लोग तटीय मेहराव राख बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को हम लोग स्टैक कहते हैं। इस तरह समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हिमनद के कारण। किसके? हिमनद के कारण। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं। और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे 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 बड़े शैल रेत तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोर का निर्माण करते हैं। ये है आपके हिमनद। अब बात करते हैं पवन के कारण। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिप्पे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको हम लोग बालू टिप्पा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है सकती है। तब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में विक्षेपित निक्षेपित हो जाते हैं। इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। लोयस का मैदान हो गया। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, आपकी ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए जो आपके क्वेश्चंस हैं इन्हें लगा लेना अभ्यास के लिए दिए गए। अच्छे से पढ़िए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, हम लोगों को इतना थोड़ी डीपली के वो कुछ रटना है, कुछ कॉन्सेप्ट है उन्हीं को क्लियर करना है, समझ में आ जाए। जिससे आप लोग बड़ी कक्षाएं पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाए, बस इतना ही तो करना है। तो चलिए हम लोग अध्याय चार में हम लोग पढ़ेंगे वायु के बारे में, वायु के बारे में। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की हमारा पर्यावरण के नाम से जो बुक्स है आपकी,
उसी को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 4th चैप्टर है, यानी कि 4 चैप्टर वायु। हमारे पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, एक संतुलन बना के रखा हुआ है। वायुमंडल के संगठन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। इस तरह से जो चित्र 4.1 है में वृत्ताकार वृत्ता रेट दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए। इसमें आपके नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2 0.03%, ऑर्गन है जो आर्गन 0.93% और अन्य सभी जो बाकी बचते हैं 0.04%। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। याद रखना, नाइट्रोजन जो गैस है आपकी, वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों के लिए आपकी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे पौधे जो सीधे से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में पिछुड़ता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह बिल्कुल संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाना और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार आपका वायु चक्र चलता रहता है। यहाँ देखिए, जब तक हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तब तक वो हमारे लिए अच्छी बनी रहती है, उपयोगी सिद्ध होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी
कारण से उसे हानि पहुंचाते हैं या उसके आगे समस्या खड़ी करते हैं, वो हमारे लिए भी समस्या बन जाती है। जैसे हम पेड़ काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन को वापस करते हैं। जो हमारे पेड़ हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह वो CO2 का प्रयोग करते हैं, और वापस में हमें बदले में देते हैं O2। ठीक है, क्या देते हैं? O2। और जब पेड़ कटेंगे तो उनका भोजन पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि हमारे भी भोजन पर प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल वाले तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ाता जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना, ये उसी तरह मान लीजिए जब किसी मधुमक्खी के छाते में हम लोग जब तक उन्हें प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते उनके सामने, वो हमें भी समस्या नहीं खड़ी करती हमारे सामने। जब हम उन्हें छेड़ते हैं तभी वो हम लोगों को परेशान करती हैं। इसी तरह पर प्रकृति है हमारी, ये हम अगर उससे हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसके सामने समस्याएं खड़ी नहीं करेंगे, तो हमारे लिए नॉर्मल सी है। और फिर आप लोगों ने गांधी जी का वो वक्तव्य सुना है कि प्रकृति हर किसी का भरण पोषण कर सकती है और सक्षम है करने में, लेकिन जब कोई कई लोग लालची लोग पैदा हो जाते हैं तो वो इसे हानि पहुंचाते हैं, उसी का परिणाम होता है। ठीक, अब यही जो मौसम का कोई अनुमान ही नहीं रह गया है, कभी ठंड बढ़ जाती है, कभी 2 महीने के लिए ठंड पड़ती है, फिर गर्मी, ये संतुलन बिगड़ चुका है। ये हमारी ही करनी का फल है, जो हम कर रहे हैं उसी का फल मिल रहा है। आगे बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है जो मंडल, फिर आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये देख लीजिए, ये आपकी झोप मंडल हो गया, माउंट एवरेस्ट है। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, किस देश में। झोप सीमा हो गया, ओजोन, समताप मंडल, यही आपके हवाई जहाज हो गए उड़ते हैं। समताप सीमा हो गई, मध्य मंडल, ये आपका मध्य सीमा हो गई, फिर वायुमंडल, वे बहिर्मंडल। बात करते हैं झोप मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की सभी लगभग जो घटनाएं हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, इसी परत के अंदर होता है। याद रखना, मौसम की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो आपकी झोप मंडल के अंदर ही घटित होती हैं। फिर आता है आपका समताप मंडल। झोप मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ मौजूद नहीं होती। बादल और मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पूरी तरह से खत्म होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से जो गैसें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। तो याद रखना, जो आपका झोप मंडल है इसमें आपकी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, और जो समताप मंडल है इसमें आपका मौसमी घटनाएं अनुपस्थित रहती हैं, लेकिन आपकी ओजोन जो गैस है इसकी परत यहाँ होती है, और जो भी आपके वायुयान उड़ान भरते हैं उड़ते हैं ये इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। फिर आता है आपका मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है।
या समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। फिर आती है आपकी बाह्य परत। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। याद रखना, एक वायुमंडल में रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। फिर आपका बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। बात करते हैं मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवें प्रात का एक भाग प्राप्त करती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका 2 अरब भाग ही हमें प्राप्त होता है। सोचिए, 2 अरब, ठीक है? अगर इसमें से अगर 10% भी धरती पर आ जाए तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। बात करते हैं तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम लोग ताप कहते हैं। वायुमंडल का ताप केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तापमापी हो गया है, तापमान मापता है। वायुदाबमापी वायु मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फों से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की जो मानक इकाई है उसे डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसे सेल्सियस दे दिया गया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेल्सियस पर जमता है और 100 सेल्सियस पर उबलता है। ठीक। पर बात करते हैं वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है।
और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाले पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षेत्रीय वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। यहाँ जब वायु आपकी गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होकर बैठती है नीचे। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त सिराए फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसे हम लोग पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाते अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देते हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। तीन अन्य उदाहरण सोचिए। आप तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। पवन को मुख्यतः तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। जिस तरह आप लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तब भी आप लोग अच्छे से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पवन इसे हम लोग एक तरह से तूफान ही कहते हैं। आंधी, ग्रामीण भाषा में जब क्या बोलते हैं, आंधी, जिसके कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके विपरीत दिशा में नहीं जा पाते। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पर्याप्त की मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने स्थानीय पवने करें। ये पवने छोटे से छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीप। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे हम लोग लू कहते हैं। अब देख लीजिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये चलती है पवन हमेशा। उच्च दाब देखिए चल रहा है, इनकी दिशा ये है। ध्रुवीय पूर्वी पवन है ये आपकी। फिर है अध्रुवीय पवन का निम्न दाब क्षेत्र है, तो यहाँ से उपोष्ण उच्च दाब हौस अक्षांश है, तब ये इस तरह चलती है सनातन पछुआ पवन। फिर आपका यह निम्न दाब क्षेत्र भूमध्य रेखीय डोल्डरम पर, तो ये आपकी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन होगी। ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, इसी तरह इसमें भी ठीक है। ध्रुवीय पूर्वी पवन आपकी अधो ध्रुवीय निम्न दाब की ओर चल रही है, क्योंकि निम्न दाब है इस तरह। पर्याप्त की ये उपोष्ण उच्च दाब सनातन जो पछुआ पवन है, ये आपकी निम्न दाब की ओर चल रही है। उत्तर
व्यापारिक पवने होंगे जिनका आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा में चलने। ठीक है, अब बात करते हैं ये सब आपकी वायु दाब पेटियां हो गई 90 डिग्री दक्षिणी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 35 हो गया 30 23.5 ये मकर रेखा है ऊपर करेक्ट रेखा या आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब बात करते हैं चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मोक्ता पवन का वेग वर्षा तथा ज्वारीय क्रोधकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर मीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7-10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह आपका चक्रवात द्वारा किया गया विनाश। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी फोर्ट विलियर निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकोड़ा के बीच के क्षेत्र में को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान सब्जियों फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंगोव के जंगल लुप्त ही हो गए। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी होकर इस तरह से वर्षा करती है। ये चक्रवातीय वर्षा है। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्पों की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आधे दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तभी वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यह आपकी पर्वतीय वर्षा, जब पर्वत आपके अवरोध के रूप में आर्द्रता के सामने खड़े होते हैं तो इस तरह वर्षा होती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है।
पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं हमारी, जल पहाड़ों पासों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, या फिर संघनीय संवहनीय वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सही वृष्टि तथा ओला भी है। तो ये था आपका चौथा चैप्टर, ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात की वायु के सभी पक्षों को। यह आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए और उनके आंसर आपको देना है, ठीक है, तो लगा लेना। और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है, वहां से देख लेना। याद रखिए अगर आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप लोगों ने मन से पढ़ा है इस चैप्टर को, अगर नहीं बन रहे कोई क्वेश्चन तो एक दो बार और पढ़िए, आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखिए। तो अगला चैप्टर होगा हमारा जल। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उसमें अभी तक हम लोग आपके चार चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका पांचवा चैप्टर है जल, हमें बात करनी है जल के बारे में। जल जैसे ही हमारे दिमाग में जल शब्द आता है या पानी शब्द आता है तो कई तरह के विचार चलने लगते हैं, नदी, समुद्र, कुआ, तालाब। जल की बारी भाषा उस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, महत्व, जल का महत्व हमारी जिंदगी में उस तरह से है कि एक इंसान की कीमत कुछ नहीं है इस समय, तत्काल टाइम की बात कर रहा हूं, कि अगर इंसान की पद पावर की कदर है इस समय, इसी तरह जल की। अगर देखिए जल समुद्र में 70% के करीब, लगभग 70% जल है हमारी पृथ्वी पर, 30% में हमारी पृथ्वी, हम लोग रहते हैं, स्थल मंडल है, जल मंडल है आपका 70%। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पानी की कमी है, क्यों? क्योंकि हमें जो उपयोग करना है पानी वो हमारे पास उतना पानी नहीं है, समझ रहे? पानी तो पर्याप्त है लेकिन उतना पानी नहीं है जितना हमें जो हमें उपयोग करना है। अब आप लोग खारे पानी से नहा थोड़ी सकते हैं, खारे पानी से आप लोग प्यास थोड़ी मिटा सकते हैं, आप लोगों को तो स्वच्छ जल चाहिए ना, तो वो उसकी बहुत सीमित मात्रा है हमारे पास। इसी तरह देखिए आप लोग, अब कहीं गंदे नाले में पानी बहाया तो उसे आप लोग यूज थोड़ी कर सकते हैं, नहीं ना। इसी तरह इंसान होता है, अब इंसान की कुछ कदर नहीं है अगर उसके पास पावर नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर वो अच्छी पावर पर है या पद पर है किसी पर तो उसी की इज्जत होती है। तो मुझे इस टाइम जल और एक इंसान की पावर दोनों बराबर लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। थलशाला या छोटे घर के पौधे रखने का किंतिम आहारता होता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में भरे गड्ढों में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ जाता है आखिर? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस विक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जलचक्र कहते हैं। जिस तरह आपकी घड़ी की सुई होती है कि वो कहीं अपने स्थान से हटती नहीं है, अपने चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, इसी तरह जल का हमारा सिस्टम है कि जल घट या बढ़ नहीं रहा है, जल की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा है, बस वो अपने रूपों में परिवर्तित होके चलता रहता है।
अब यहां देखिए चित्र में, ये आपका कहीं से जमा जल हो गया, नदी हो, फिर कहीं से आ रहा हो नाली से, यहाँ आया बाष्पीकरण द्वारा, बादल बने, बादल फिर वर्षण में परिवर्तित हुए, नदी नाली से इस तरह फिर वापसी आ गया जल, फिर बाष्पीकरण से उड़ेगा और बादल बनेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे पृथ्वी जल थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता है बहता हो। आलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, स्रोत, हिमनद आदि है। महासागरों एवं समुद्र जल का जो जल है वो लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ये है आपका थलशाला। एक बड़े जार के चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल का फुहार छिड़क के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। समझ में आए? ये आपका एक मानचित्र है, मोटे मोटे तौर पर पृथ्वी का दर्शन है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये आपका अंटार्कटिका है, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपका आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। देखिए पृथ्वी गोल है बिल्कुल। अब यहाँ देख लीजिए, प्रशांत महासागर यहाँ भी है आपका और प्रशांत महासागर यहाँ भी है, क्योंकि मिल जाता है गोल में। ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है, ये आपका कैस्पियन सागर हो गया, मिसिसिपी नदी है, साल्ट सिटी, लेक सिटी, ह्यूरन झील, सुपियर झील, विनीपेग झील, ये सभी आपकी उत्तरी अमेरिका की वासी है। ग्रेट सेल्ब स्लेव झील, ग्रेट बियर झील हो गई, नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, विक्टोरिया झील, नील नदी, ये आपकी सब है अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य सागर हो गया, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ह्योंगी नदी ये चीन के पास है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये भारत के पास है, अरब सागर भारत के पास में ही है, बंगाल की खाड़ी, ये आपका दक्षिण चीन सागर है। इसी को लेकर विवाद चलता रहता है, चर्चा में रहता है हमेशा। ये पूर्वी चीन सागर, कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के पास, डार्लिंग नदी ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। एक मोटा मोटा मानचित्र था ये। अब बात करते हैं लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती उसे हम लोग लवणता, लवण कह लेते हैं। महासागरों की औसत लवणता 35/3000 ग्राम है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल की अपेक्षा, थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या कुछ पृथ्वी का मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल के वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखिए, महासागर में आपका 97.3% भरा हुआ है, बर्फ छत तक 0.02% है। अब कितना हो गया बर्फ आपका, हो गया 99%, ठीक है, 99.3%। भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवर जल 0.009%, नमकीन झील 0.009%, वायुमंडल 0.00119%, नदियों में 0.00001%, ये हो गया आपका 100%। तो इसमें हम लोग 99%, जो 99.3% है, इसे तो हाथ ही नहीं लगा सकते,
क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो बाकी भूमिगत जल है इसका उपयोग कर सकते हैं। मोटे तौर पर कह लीजिए 1% भी से कम भी हमारे पास है उपयोगी जल हमारे लिए जो उपलब्ध है। इजराइल के मिरिस सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें फैलाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। 2 लीटर जल लें, मान लें कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल में लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय या नमक युक्त जल है। कटोरे में निकाला गया जो जल था 12 चम्मच, यह जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए 2 लीटर में हम लोग केवल 12 चम्मच जल उपयोग कर सकते हैं। ये आपका चित्र बना हुआ है, 9 चम्मच बर्फ 76, 2 चम्मच ठीक। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। फिर प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। और कौन जल बिना नमक वाला, कभी पीकर देखिए आप लोग नमक वाला जल, उसे प्यास नहीं बुझती हमारी। ऐसे में आपको क्या ऐसा लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ीय गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, तरंगे, ज्वारभाटा एवं धाराएं। आपको याद रखना है कि 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, जल का महत्व बताने के लिए। बात करते हैं तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब आप महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे हम लोग तरंगे कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवने बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवने बहती हैं तरंगे ही उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, आपकी तरंग का चित्र बना हुआ है। फिर आपका तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट आपका जो है वो डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सुनामी आई हुई थी 2004 में उसके बारे में। छब्बीस दिसंबर को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिनका अधिकेंद्र आपका सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.00 मापी गई।
भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हुई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा पर ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, वो पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से ही अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति थी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1,00,000 से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इस सुनामी से। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की क्षति अत्यधिक क्षति हुई है। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े जो दर्शकों की मृत्यु हो गई थी, जो इस तमाशे को देखने गए हुए थे वो बरसमार्ट उनकी मृत्यु हो गई थी घटना में। फिर आपका ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डूबे देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। लघु ज्वार, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार और भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों इस तरह से तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बेहद ज्वार कहते हैं, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं हम लोग। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी आपके सहायक होते हैं।
उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानीय स्थानों पर ज्वार भाटे से कुछ होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फिर है आपकी महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं, जबकि गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्वभर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ आपके उदाहरण हैं। जहाँ जल गर्म एवं जल ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाले मौसम बनता है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये आपकी गर्म जलधाराएं हो गई, ये शीत, ठीक, जो रेड लाल रंग की है आपकी गर्म जलधाराएं और नीले रंग की आपकी ठंडी जलधाराएं, जैसे आपकी अलास्का कैसी है, गर्म जलधारा। सबसे पहले याद रखिए आपकी उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। यही आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा है, ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट पेरू जलधारा ठंडी जलधारा है। फाल्कलैंड ये भी ठंडी जलधारा है आपकी। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है। लिब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ओब्लास्ट धारा ये आपकी गर्म है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ये भी आपकी ठंडी है। क्यूरोसियो जलधारा ये आपकी गर्म है। आयोसियो धारा ये आपकी ठंडी, ठीक है, देख लेना है। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, लगा लेना, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से एक बार मन से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 90-95% आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है आपकी बुक्स। तो ये हो गया आपका पांचवा चैप्टर। छठवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में। और आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक्स है उसे देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग पांच चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका छठवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। याद रखिए आप लोग, इसमें आप लोगों को बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हैं मन लगाकर, तो सभी आपके जो भी आपके टर्म्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सब क्लियर हो जाते हैं एक ही बार में लगभग, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने को गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। ग्रीवाद में स्थित साल सागवान के घने वन धीरे धीरे आदर्श हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार बितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया, वे रोडोडेंड्रॉन के थे।
मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों से भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं विकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। फिर आपके कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। सलीमा हिमाचल प्रदेश की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, ये आपकी कांटेदार झाड़ियाँ हुए, आदि प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें हम लोग सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। आपके ये आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा सकता है, एनाकोंडा। ठीक है, फिर आता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि हैं। यह आपका बाघ हो गया, यह आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया। फिर आता है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे आपके दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। फिर आता है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण
पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं आपके बाल, एस बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये आपका फिजेंट हो गया, ये आपका मोनाल हो गया। शीतोष्ण पर्णपाती वन में फिर आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्व किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यह भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर की बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सेक्टर्स के पास पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। यह आपका भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अंगूर के बाद भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। फिर आपका शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग टैगा वन भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर होते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अंछुआ, याद रखना। ये आपके शंकुधारी वन हो गए, ये आपके हिमाच्छादित शंकुधारी वन हो गए। फिर है आपके घास स्तन उष्ण कटिबंधीय घास में स्तर। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, याद रखना। अफ्रीका का सवाना घास स्थल आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। यह आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। फिर आपका शीतोष्ण घास मैदान। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलॉप आदि पाए जाते हैं। फिर आपकी कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें आप। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान राजस्थान में लगा हुआ है। आपका सबसे बड़ा वही है रेगिस्तान, जहां आपकी कटीली झाड़ियां अधिक होंगी।
यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। यहाँ केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंडा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवर के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी आदि। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये पुनः वैसे ही बने पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आपने ऑक्सीजन, हम लोगों ने पढ़ा था वायु के बारे में, तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, नहीं फोर्थ चैप्टर था जो हमारा, उसमें हम लोगों ने वायु के बारे में पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था, आपने याद हो आप लोगों को, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम प्रकृति से जब तक छेड़छाड़ नहीं करते हैं या उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, हमारे लिए सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही हम उससे छेड़छाड़ करते हैं, हमारे लिए समस्या बन जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में संतुलन बनाने की बहुत शक्तिशाली है, उसमें शक्ति है कि वो अपने आप को संतुलित कर सकती है, लेकिन जब तक हम लोग उसमें, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। ये आपके विभिन्न स्थल हैं, विभिन्न प्रदेशों में घास विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएस और आईएएस में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में, इसे सवाना कहते हैं। ब्राजील में से कंपोस्ट कहते हैं। वेनेजुएला में से लानोस कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल अर्जेंटीना में से पैम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में पेरी कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में से बेल्ट कहते हैं। मध्य एशिया में से स्टेपी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में से डान कहते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए, अभ्यास के लिए लगा लेना। ठीक है, अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हैं मन लगाकर, तो मुझे लगता है सब आप कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसकी टेली वो पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, वहां से निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका छठवां चैप्टर था। सातवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार व्यवस्था को देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की, हमारा पर्यावरण। इसमें हम लोग अभी तक 6 चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। सातवां चैप्टर है आपका मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आपने पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां, वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बस्तियां। प्रारंभिक मानव मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, ह्वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? सिंधु सभ्यता आपने देखी हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वे स्थान जहां भवन बस्तियां विकसित होती हैं
उस स्थान को हम लोग बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें हम लोग अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। जो लोग झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरीय कृषि कहते हैं, वे भी आपके अस्थायी बस्तियां ही बनाते हैं। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि, ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर भी बनाते हैं। ये आपके मानव बस्ती देख लीजिए। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरपीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती हाँफती हुई गुरपीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मैसेस थॉमस ने गुरपीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहरों में क्यों आते हैं? उनकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? फिर मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां, अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते दिखाई देते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव बड़े में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि, सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। ये आपके जो प्रसाद हैं इन्होंने कहा। ऋतु प्रवास, लोगों की मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में नेवा निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बंजारे जो अपने ऊंट भेड़ इस तरह से लेके जाते हैं गर्मियों में, वही है ऋतु प्रवास। ऊपर दिए गए संवाद में सिर्फ बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वनिकी व दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक रूप से में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये आपकी सघन बस्ती हो गई, सघन बस्ती, या आपकी प्रकीर्ण बस्ती। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पर में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लेट प्लेट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छत फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहरी शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्यों के कुछ गांव लिखिए, लिख दीजिए क्या फर्क पड़ रहा है। परिवहन, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता है था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया।
समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आपने देखी होगी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ठीक है, कई शहरों में अभी भी चलती है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल या ऊंट का उपयोग किया जाता है परिवहन के रूप में। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे समय लगता है। इसी प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और आपका वायु मार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। बात करते हैं सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग आपके सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछाए, मरुस्थलों, पन्नों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सब भी कहते हैं। फ्लाईओवर उत्तेज संरचना के ऊपर बनाए जाते हैं। या आपकी पक्की सड़क हुई या आपकी कच्ची सड़क हुई। जायनिंग से लिहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5,072 मीटर है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में दोनों का आवागमन एवं भारी सामान को ढूंढने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों ने से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। अभी भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है या एशिया में सबसे बड़ा है। ट्रांस रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग के मास्को, कजान हो गया, यकेटेरिनबर्ग, ट्यूमेन, ओमस्क से होते हुए आपका व्लादिवोस्तोक रूस तक जाता है। ठीक है, रूस का व्लादिवोस्तोक है अंतिम छोर इसका। फिर बात करते हैं जलमार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नाव, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में आपका डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में आपका लंदन। अंतर्देशीय जलमार्ग। फिर है आपका वायुमार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा भी है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं
रेलमार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर आगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कायरा। फिर है आपका संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है आपकी संचार। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं दीर्घ साधनों को विकसित कर लिया है। तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास ने विश्व में सूचना क्रांति का आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती है, अपितु इनसे हमारे जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेलवे, हवाई जहाज या फिर सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित या बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच गति तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बेहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये आपके प्रमुख समुद्री और हवाई पतन है। ये आपके वायुमार्ग है और ये आपका जलमार्ग। रेड लाइन है जो वायुमार्ग और जो नीली लाइन है ये आपका जलमार्ग। जैसे सान फ्रांसिस्को, सैंटियागो, ठीक है, वैंकूवर, डकार, देख लेना आप लोग, ठीक है, अच्छे से। चेन्नई हो गया आपने इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, जैसे पर्थ, मुंबई है आपका पान जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, मुंबई आपका हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। तो ये था आपका सातवां चैप्टर, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं परिवहन एवं संचार। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें लगा लेना, ठीक है, और पीडीएफ याद रखिए आप लोग की टेलीग्राम पर डाल दी गई। आठवां चैप्टर है हमारा अगला, मानव पर्यावरण, अन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की, हमारा पर्यावरण के जो नाम से जो बुक्स है उसको देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर खत्म कर चुके थे, ये आपका 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर है आपका मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। याद रखिए, मैं बार बार यही दोहराता आया हूं कि इसे बड़े धैर्य के साथ पढ़िए इन सभी बुक्स को, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं है, शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके। बस धैर्य के साथ आप लोग पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक कहानी का रूप देकर समझाया गया है आप लोगों को। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में भी थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान में से, कुछ बर्फीली प्रदेशों से
कुछ गरम नम वर्षा बनों से, वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। एक कृष्ण का रेणुका ने, वे देखने में भले ही अलग हूं लेकिन उनकी भोजन कपड़ा मकान जैसी जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। उनके चाचा ने कहा, श्रीकांत ने, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन में सीखेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2, ये है आपका अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये सभी देश हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम लोग भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में कुछ सहायक सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के भागों, कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अप्रभावित होती है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियां यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। जो आपकी मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां मिलती हैं उन्हें ही हम लोग सहायक नदियां कहते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उनका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। फिर आपकी जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि का सघन वन उग जाते हैं। इस तरह अमेजन वन वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का विकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और एवं ब्रोमी लाइट पैदा होती है। वर्षा वन में पराड़ी जात की पिछुड़ता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चीटी खाने वाले टीपी भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप भी विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाए जाते हैं। मगर सांप, अजगर, एनाकोंडा
बुआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। जो ब्रोमी लाइड है यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल की पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षावन के निवासी देख लेते हैं आपको। वर्षावन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। बेमुखता टेपियोना एवं अनानास शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मैने योग है जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं फिर उनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग में से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव होता है इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे पौधे आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जो सकते हैं। लगभग ये आपकी उसी झूम कृषि के समान ही है। ठीक, स्थानांतरित कृषि के समान ही की जाती है। बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से आप ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी ढूंढ सकते हैं वरना हम लोगों ने जो मैप्स का पार्ट चालू किया था उसमें हम लोगों ने सभी नदियों की सहायक नदियां वर्ल्ड की और फिर चाहे वो भारत की सबको देखा है। वहां जाके देख लेना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के ग्रीपाल तथा सुंदर वन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं।
मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में यहाँ ठंड होती है। ये है गंगा, ये आपकी आ रही तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसलें उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान धान जो है यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसल गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व वह होती है जब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोगों की संख्या होती है उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कह लेते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029, बिहार का 1102। ये बदलता रहता है, जब भी जनगणना आपकी होती है तो बदल जाता है। तो अब 21 की जनगणना होगी, उसके बाद बदल जाएगा, तो याद रखिए। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने छुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंगो वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। आपकी धान की खेती की रोपाई कर रहे हैं। असम में चाय बागान है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें आपके हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिलसा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां भी। मछली एवं चावल इसमें इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो और जो कृषि है वो उसका कटाव ना हो, इसलिए आपका वेदिकाओं का निर्माण होता है। ये आपका एक सींग वाला गैंडा है, मगर वेदिका कृषि हो गई है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के आलावर जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। ये आपके अंधी डॉल्फिन। झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोहन गांव में रहता है। आज वह प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों पालने के लिए अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोहन या चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनीरिया,
हाइड्रेला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करता है। वहां के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने और खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। ये काफी सफल भी रहा है, काफी नहीं बहुत हद तक सफल होता। बात करते हैं आगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात को सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन भी आपके मौजूद हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए आपका नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल इलाहाबाद में आपका गंगा यमुना की नदी का संगम, उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कालीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी हैं। मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ। चलिए तो ये था आपका 8वां चैप्टर, मानव पर्यावरण अन्यन की क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, लगा लेना और याद रखिए। आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। एक बार उससे भी पढ़ लीजिए, इससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा सब। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे 9वें चैप्टर में रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार होता है, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक है उसी को देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक 8 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये आपका 9वां और लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण की जो बुक है उसका, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान को कवर करने के बाद हमारी कक्षा 6वीं की और कक्षा 7वीं की सभी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग कक्षा 8वीं की बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। याद रखना कक्षा 6वीं में हमें 4 बुक्स पढ़नी थी और कक्षा 7वीं में भी हमें 4 बुक्स ही पढ़नी थी, ठीक। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहां पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थानों पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे भी हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में यहाँ कभी कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है
जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। ये आपकी रेगिस्तान की परिभाषा कर ली। बात करते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं आपके अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। याद रखिए कि हम लोग मानचित्र का जो पार्ट था उसे कवर कर चुके हैं। उसमें सबको दिखाया गया है मैप्स में कि कहाँ कौन सा मरुस्थल है, कौन सी नदी, पूरा आपका जो मैप्स का पार्ट होता है उसे हम लोग कवर कर चुके हैं पूरी तरह से। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपको मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले पत्थर पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी से जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे यहाँ के, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये आपका सहारा मरुस्थल, यही आपका ट्यूनिशिया होगा, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट, ठीक, लाल सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका अफ्रीका, सोमालिया गणराज्य तक फैली हुई है, इरिटिया। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। सहारा के अचिजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहां का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कब? 1922 में। बात करते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरे द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव हैं सहारा मरुस्थल के। लोगों की बात करें, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं, जो विभिन्न भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से रोटी, सॉरी पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त होता है, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कपल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां, गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है।
यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ आपका चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में आपके लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैसों के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यहां देख लेते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वह मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह उद्यान मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेपिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। रेगिस्तान आपके गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं, तो रेगिस्तान का ये मतलब मत निकालिए कि गर्म स्थान को रेगिस्तान कहते हैं, ठंडे प्रदेश को भी आप लोग रेगिस्तान बोलते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बेहद हिमालय में स्थित लद्दाख का एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें आपकी सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखंड गौज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे गिंगी हिमानी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय में के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृथ्वी के सबसे बड़े ठंडे स्थानों में से एक है आपका द्रास, लद्दाख में स्थित है आपका। देखिए यह आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर, सियाचिन हिमनद, इंडस नदी, सहयोग नदी, सिंधु नदी, यहीं जास्कर, गिलगित। अब इसे दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। तो अब लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू और कश्मीर एक थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इससे आपका चीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो आगे बात करते हैं, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलाने वाले सूर्यताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आप पैर छाया में हो, तो आप एक साथ परी ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब बात करते हैं हम लोग वनस्पति जात एवं प्राणी जाते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो, पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें आपका रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नो कॉक, रेवन हो यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। अब बात करते हैं यहाँ के मनुष्य जो लोग रहते हैं उनके बारे में। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोरपा के साथ स्थित। कुछ प्रसिद्ध मठ है आपके हेमिस, थेक्से, से, लामा यू यूरू। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बीलू पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, याद रखना जनरल नॉलेज के लिए। ये ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या ये आपका थेक्सी मठ बौद्ध मठ? मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहितांगला, बाला लाचा ला, लुनगा लाचा ला, टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यह आपका बारा लाचा ला। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं, लद्दाखी महिलाएं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, बाह्यम नदों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। याद रखिए, अगर आप लोग प्रकृति से समन्वय रखते हैं, उसके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, तो आप लोगों को कभी भी समस्या खड़ी नहीं होगी आपके सामने। ठीक है, जहाँ हम लोग उससे छेड़छाड़ करेंगे वही हमें समस्या खड़ी हो जाएगी। ये प्रकृति हमारी पर्यावरण उसी तरह है जिस तरह मधुमक्खियों का आपने वो जाल देखा होगा। जब तक हम लोग उसे परेशान नहीं करते, उसे छेड़छाड़ नहीं करते, वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बनती। जैसे ही हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, वो बड़े स्तर पर हमारी मुसीबत खड़ी कर देती है। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर चाहे आपकी PDF डालिए दी थी टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, याद रखिए हमारी अब कक्षा 7वीं की सभी और कक्षा 6वीं की सभी हम लोग बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग बात कर चुके हैं कक्षा 6वीं की, में 4 बुक्स देखनी थी जिनमें आपका शामिल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, हमारा अतीत भाग 1, पृथ्वी हमारा आवास, विज्ञान। ये कक्षा 6वीं की 4 बुक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। कक्षा 7वीं की हमारे लिए 4 बुक्स कौन कौन सी हैं? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2,
हमारा अतीत भाग दो, हमारा पर्यावरण और विज्ञान, इनमें से हम लोग तीन बुक्स आपकी कंप्लीट कर चुके हैं इसे मिलाकर। अब बची हमारी विज्ञान, तो हम अगले अध्याय अगले लेक्चरों में बात कर लेंगे विज्ञान के बारे में। ठीक है।